कब तक आप विजिट कर करके माल खरीदोगे? हम इस वीडियो से आपका माल खरीदना और भी आसान कर देते हैं। इस वीडियो में हम प्रोडक्ट की आपको छोटी से छोटी जानकारी देंगे, जिसमें रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट कंप्लीट होने तक की सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप भी एक होलसेलर, रिटेलर या सप्लायर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फैक्ट्री से नहीं खरीदना चाहते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज हम आपको फ्लैनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शेयर करेंगे। फ्लैनों के फैब्रिक से डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फ्लैनो एसी ब्लैंकेट, फ्लैनो की बेडशीट बनाई जाती है, फ्लैनो बाय फ्लैनो रजाई बनाई जाती है और फ्लैनो डोहर बनाई जाती है, जिसको आप रजाई कवर बोलते हैं। चलो अब इसकी जानकारी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉक्सेस के अंदर जो है रॉ मटेरियल है। फ्लैनो को बनाने के लिए इसके अंदर धागा यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके अंदर इसको ग्रिल के अंदर सेट कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे धागों को इसके अंदर स्टैंड के अंदर सेट कर दिया जाता है रैपिंग करने के लिए। इसमें से एक एक धागा निकाल कर रैपिंग की जाती है धागे की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मशीन जो है रैपिंग करने के लिए यूज की जाती है। ये रैपिंग मशीन है जिसके अंदर बीम बनाया जाता है। इस मशीन से हमारे पास कुछ इस टाइप के बीम रेडी हो जाते हैं। असल मशीन है, इसके अंदर जो है फ्लैनों का फैब्रिक रेडी किया जाता है। यहाँ पर फैब्रिक की बुनाई की जा रही है। जब धागे से फैब्रिक रेडी कर दिया जाता है तो कुछ स्टेप से हमारे पास रूम में आता है ये। वार्प मशीन कुछ स्टेप से हमारे पास रॉ मटेरियल रेडी कर देती है। उस पॉलिस्टर के धागे से हमने यहाँ पे जो है फैब्रिक रेडी कर लिया है, जो कि हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में कुछ स्टेप से रेडी हो जाता है। ये यहाँ पर हमारे पास कटर मशीन है, जो हमारे पास फैब्रिक रेडी हो जाता है तो वो टू डबल की फॉर्म में होता है, उसको सेपरेट करने के लिए कटर मशीन यूज की जाती है। इस मशीन के अंदर कटिंग होने के बाद यहाँ पे दो लेयर मिल जाती है, एक साइड इसमें जो आपको पाइल मिल जाती है, एक साइड ये आपको प्लेन मिल जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए इसको गाड़ी में लोड कर दिया गया है। अब ये लोडिंग गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। आफ्टर फिनिशिंग के बाद इसके अंदर प्रिंटिंग की जाती है। ये हमारे पास रोटरी मशीन है, इसके अंदर फैब्रिक के ऊपर जो है प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग प्रोसेस हम आपको शेयर करते हैं।
ये हमारे पास रोटरी मशीन है जिसके अंदर प्रिंटिंग की जाती है। फैब्रिक को ड्राई किया जाता है। ड्रायर के लिए हमारे पास यहाँ पे ये ड्रायर है। फैब्रिक ड्राई होने के बाद कुछ स्टेप से हमारे पास ये रेडी हो जाता है, सूख जाता है कपड़ा। ड्राई करने के बाद इस फैब्रिक को लूप मशीन के अंदर लगाया जाता है ताकि इसके जो कलर को और ज्यादा पक्का किया जा सके। ऐसे जो है कलर को पक्का किया जाता है। कलर को पकाने के बाद उसको जो है वॉशिंग किया जाता है फैब्रिक को, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ से फैब्रिक को मशीन के अंदर लगाया जाता है वॉशिंग करने के लिए। वॉशिंग होने के बाद हमारे पास कुछ स्टेप से बाहर निकल जाता है फैब्रिक। अब इस फैब्रिक को प्रिंटिंग होने के बाद यहाँ पे और वॉशिंग होने के बाद इसको जो है हाइड्रो के अंदर सेट कर दिया जाता है कपड़े को, ताकि इसको अच्छे से सुखाया जा सके। बाद कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसको खोलने के लिए ओपनर यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कपड़े को खोल देता है। ओपनर मशीन में से निकलने के बाद फैब्रिक यहाँ पे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें ब्रशिंग का रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस ओपनर के बाद यहाँ पे इसकी ब्रशिंग की जाती है। ये हमारे पास ओपनर के बाद फैब्रिक आ जाता है और इसको मशीन के अंदर सेट कर दिया जाता है। यहाँ से इसके अंदर सेट कर दिया जाता है और ये इसके ब्रशिंग करती है, जिससे कि इसकी जो फर है उसको अच्छे से सेट कर दिया जाए। ब्रशिंग होने से पहले कुछ स्टेप से फैब्रिक रहता है। ब्रशिंग होने के बाद इसकी पाइल जो है खुल जाती है और कुछ स्टेप से फैब्रिक रेडी हो जाता है। ब्रशिंग के बाद कपड़े की क्वालिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे इसको प्रोसेस के अंदर गुजारा जाता है। यहाँ पे कपड़े की फिनिशिंग और शाइनिंग की जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये पॉली कट मशीन है जो कि पाइल को कट करके इक्वल कर देती है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी की है। हमारे पास फ्लैनो का फैब्रिक रेडी हो चुका है।
ये आफ्टर फिनिशिंग के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ चुका है। ये हमारे पास स्टंटर मशीन है जिसके अंदर फैब्रिक की वीट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। यहाँ से इसके अंदर ये प्रोसेस के अंदर फैब्रिक लगा दिया गया है। ये स्टंटर मशीन है, इसके अंदर जो है फैब्रिक का साइज मेंटेन किया जाता है। स्टंटर मशीन में से प्रोसेस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। यहाँ पर अच्छे से फैब्रिक की क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके अंदर प्रॉपर उसकी विड्थ को नापा जाता है, जैसे हम चेक किया जाएगा फैब्रिक का। ये कितने GSM का फैब्रिक है वो अच्छे से इसको चेक किया जाता है। ये प्रॉपर 153 GSM फैब्रिक रेडी हो चुका है। प्रॉपर अच्छे से क्वालिटी चेकआउट होने के बाद ही फैब्रिक को डिस्पैच के लिए आगे भेजा जाता है। अभी हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है डिस्पैच करने के लिए, देख सकते हो आप। अभी दोस्तों हमने आपको जो है फ्लैनो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शेयर किया है, जिसके अंदर आपको सिंगल बेड डबल बेड की फ्लैनो मिल जाती है। डिफरेंट आपको वेट मिल जाते हैं, 600 ग्राम 800 ग्राम 1200 ग्राम 2 kg तक के आपको वेट इसके अंदर मिल जाते हैं। डिस्पैच करने के लिए यहाँ से जो है इसको ट्रॉली से रोल बनाया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर अच्छे से इसको जो है रोल फॉर्म में रेडी कर दिया जाता है। कुछ स्टेप से हमारे पास इसके जो पैकिंग कर दी जाती है रोल फॉर्म में डिस्पैच के लिए। दोस्तों हमारा मकसद ओनली वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से फैक्ट्री रेट पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है। अगर आपको भी फ्लैनो की रिक्वायरमेंट है और आप फ्लैनो बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9613999969 या आप हमारी साइट MS बल्क स्टॉक पे जाके आप इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप भी डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी टेक्सटाइल के रिगार्डिंग और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।